बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामो जसु वचन रवि करणी। इस संसार की प्राणी ये चला चली का खेला है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। ये संसार रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, कोई ट्रेन आती है कोई ट्रेन जाती है, ये मुसाफिर खाना है। इस बातों को ध्यान रखो और इस जीवन को अच्छे कार्य में लगाओ, आपका कल्याण होगा। आज मंगलवार का दिन 23 अगस्त है और मंगलवार आपके लिए कैसे मंगल हो, मंगलवार के दिन कैसे अमंगल का नाश हो, ये उपाय है। आपका मन आवश्यक अनावश्यक चिंताओं से घिरता हो, आर्थिक प्रयास सारे विफल चले जा रहे हैं, तो ये मंगलवार 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत है। 12 के 12 राशियों के लोग सोमवार की रात नहीं, मंगलवार की रात एक तांबे के लोटे में जल भर सिराने रख दे और प्रातःकाल सुबह उठकर किसी भी पौधे में डाल दे, पौधा गुलाब का हो तो और अच्छा रहेगा। संपूर्ण चिंताओं से मुक्ति, अद्भुत है ये मंगलवार न मना रहे। और बात करते हैं मंगलवार के पंचांग। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की नवमी और विक्रम संवत 2068 भाद्रपद मास के 7 पर्व, सख्त 1933 भाद्रपद 1 तद अनुसार मंगलवार 23 अगस्त 2011 प्रातःकाल नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आज चंद्रमा विषम राशि और मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, और मंगलवार के इस राहुकाल के दौरान जो समय है 3 से 4:30 का शुभ कार्य नहीं करें, पूंजी निवेश नहीं करें, भूमि पूजन नहीं करें, मकान शुरू नहीं करें, दुकान शुरू नहीं करें, और विशेषकर कमोडिटी वाले लोग इस समय का विशेष ध्यान रखें, व्यापारी को नमोनमः। और बात करते आज वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में कारोबार की दृष्टिकोण से यात्रा करना ठीक नहीं माना गया, जहां आप रहते हैं वहां से उत्तर पश्चिम दिशा नहीं, जहां आप रहते हैं वहां से दक्षिण दिशा की ओर जाना कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय है। अगर आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ खाकर यात्रा पे निकलिए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं प्रातकालीन लग्न की, प्रातकालीन लग्न सिंह लग्न, लग्न में सूर्य और मंगल मिथुन राशि, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, शनि कन्या राशि में, राहु वृश्चिक राशि में, केतु वृषभ राशि में, ये है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमणकालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मैं बात करूंगा आपके अपने राशि फल की जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित है। बात करते हैं मेष राशि, मेष राशि समय थोड़ा सा मध्यम है, धैर्य से काम करें, आज आशा अनुकूल सफलता नहीं मिलना संभव, आशा अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी, व्यर्थ के दूसरे झमेले से दूर रहने से परेशान रहते हैं। आज के दिन सफलता के लिए वाणी और व्यवहार दोनों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, समय और धन का दुरुपयोग नहीं हो इस बात का भी ध्यान दें, आज धन और समय का सदुपयोग क्या ना करें, अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर ना लें। स्वास्थ्य की प्रति क्या करें, तो स्वास्थ्य की प्रति थोड़ा सा सतर्क, छोटा सा जो मध्यम गोचर है परेशानी थोड़ी सी नजर आ रही है, छोटा सा उपाय घर में घी का दीपक जला के बजरंग बाण का पाठ करना शुभ रहेगा। नमोनमः। बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, स्वास्थ्य उत्तम और कार्य व्यवस्था में सुधार, उचित लाभ के अवसर प्राप्त, धन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक रहेगा और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त, आज स्वजनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सुख रहेगा और पारिवारिक वातावरण भी मनोअनुकूल रहेगा, जिससे कि घर योगायोग है, पूंजी निवेश नुकसान नहीं देगा। क्या ना एक बात ध्यान रखें, धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुन पाप ना, अपने काम से काम मत, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना, और अपने काम में भी दूसरे लोग हस्तक्षेप ना करें इस बात का भी ध्यान रखें। क्या करें, अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करें बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों सितारों की चाल थोड़ी सी प्रतिकूल है, मित्रों के साथ मनोरंजन में समय व्यतीत हो, धन का अपव्यय और अनर्गल चीजों में खर्चा बढ़ता है, आज पारिवारिक सुख की कमी नजर आ रही,
दाम्पत्य जीवन में उठापटक की संभावना नजर आए और जीवन साथी की उपेक्षा नुकसान का संकेत भी है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिससे कि घर योगायोग गोचर कह रहा है कि कारोबार में ध्यान देना होगा, परिवार पे ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, थोड़ा सा आज संयमित होना बहुत जरूरी है, अन्यथा तकलीफ आ जाएगी। क्या ना करें तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, क्या करें तो कार्य गति को सुचारू रूप से चलने दे, अन्यथा पीड़ा है। गोचर ठीक नहीं था मिथुन राशि वाले, छोटा सा उपाय, हरे मूंग, साबुत हरे मूंग श्रद्धानुसार हरे कपड़े में बांधकर किन्नर को दान दे दीजिए। हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। माँ भगवती के शिव चरणों में पुष्प अर्पित करके देगी, बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेगा। आज धन लाभ मिलेगा, आज शेयर मार्केट में आपकी वाह वाह होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेन देन के मसले निपटेंगे और आज अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। क्या ना करें तो अनुचित लोगों से रिश्ता ना करें, ये लोग गैर कानूनी कार्य करते हैं। क्या करें, नए कार्य और समझौते से लाभ होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर सिंह राशि वालों, गुरु गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, माता पिता का पूर्ण सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी, उन्नति का अवसर, धन लाभ होगा। आज धर्म कर्म में रुचि है, मान सम्मान में वृद्धि है, हर दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के आज 12-25 है। क्या ना करें, कर्ज के लेन देन से न तो उधार दे न उधार ले। क्या करें, सामाजिक कार्य और मेलजोल थोड़ा सा बढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सामाजिक रुतबा बना रहेगा, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, अध्ययन की और रुचि बढ़ेगी, लेन देन के मसले निपटेंगे, अपनों का पूर्ण साथ मिलेगा, बस थोड़ा सा हाथ मजबूत। क्या ना करें, गाड़ी तेज न चलाए, लापरवाही से गाड़ी न चलाए। क्या करें, यात्रा पे जाने की तैयारी है उसको रोके नहीं, यात्रा पे जाए लाभ मिलेगा। हर रोज की तरह सवाल, रीता मोहंती जी है, जमशेदपुर राउरकेला झारखंड से है, आपको नौकरी की परेशानी है और कोर्ट कचहरी के मसले में कैसे विजय मिले, ये आपने मेरे से सवाल, आपको जवाब दे रहा हूं। आपका वृषभ लग्न है, मेष राशि, इसमें राहु में शनि की अंतरदशा है, 28 जनवरी 2014 तक ग्रह योग संकेत दे रहे हैं, इसमें कोर्ट के लिए मसलों से दूर रहना बहुत जरूरी है, समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। 2012 के बाद नौकरी के अच्छे लोग योग नजर आ रहे हैं, बात कहना चाहता हूँ, के मसलों से थोड़ा सा दूर नहीं रखना और इन सारी झमेलों से दूर रहने के लिए आपको अपनी चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखें और बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज न करें। वे लोग जिन्हें हमेशा कोर्ट कचहरी के मसले परेशान करते हो या कैरियर में उठापटक हो, उनके लिए भी एक उपाय बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है और ये उपाय इतना कारगर गया है कभी खाली नहीं गया। हर रोज 11 पत्ते बेलपत्र के 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, कोटि के सारे मसलों से दूर हो जाएंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों सितारों की चाल अनुकूल का संकेत नहीं दे, शत्रु मार्ग में घोड़े अटकाने का प्रयास करेगा और उलझने और मुसीबत, दूसरों के मामलों में दूर नहीं रहे तो नुकसान होगा, धन की कमी और आज उल्टे सीधे काम करेंगे तो नुकसान। मैं कहना चाहूंगा सीधी भाषा में, नैतिकता का दामन पकड़ के रखो, गुप्त कार्यों से दूर रहो अन्यथा मोटा नुकसान है। क्या ना करें, धन का अपव्यय नहीं, क्या करें, स्वजनों की मसूरों की ध्यान दे, मैं भी तो आपका अपना हूं, सलाह मैं भी दे रहा हूं, मेरे मसूरों पर ध्यान देना, छोटा सा उपाय कर लेना जो बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र है 6, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते मोगरे के 108 पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा देना, कष्ट कम आएगा। नमन है, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है, नए कार्य करने का अवसर मिलेगा, मन आज मित्रों से लाभ मिलेगा, मित्रों से मिलन होगा, उनका सहयोग मिलेगा, आज ससुराल पक्ष से मान और सम्मान और धन लाभ भी होगा। गोचर सफलता का संकेत दे रहा, कहीं भय भी, क्या ना करें, दूसरे के भरोसे कार्य न छोड़े, क्या करें, थोड़ा सा परिवार को समय दे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार।